स्टूडियो हम देखने वाले हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, तो कंप्लीट देखेंगे पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको जल्द से जल्द न्यू वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें वो फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्रेंड, आप कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई डाउट होता है, तो फ्रेंड का शेयर भी करना ताकि उनको भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स पैकेट स्विचिंग के बारे में जान लेते हैं। पैकेट स्विचिंग ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस डिजिटल नेटवर्क्स बाय ब्रेकिंग इट इनटू ब्लॉक्स और पैकेट्स फॉर मोर एफिशिएंट ट्रांसफर यूजिंग वेरियस नेटवर्क्स डिवाइसेस। सिंपली फ्रेंड्स, पैकेट मतलब आप समझ जाते हो किसी चीज़ के पैकेट। पैकेट स्विचिंग मतलब जो आप डेटा ट्रांसफर करते हो इंटरनेट पर, तो कैसे जाता है क्या आपको पता है फ्रेंड्स? तो वो आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। जो डेटा आप ट्रांसफर करते हो इंटरनेट पर, वो पैकेट की फॉर्म में जाता है। इतने छोटे पैकेट जिसके अंदर 4, 5, 6 बाइट्स के पैकेट्स को आपको पता ही फ्रेंड्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, एमबी जिसे कहते हैं, गीगाबाइट, जीबी जिसे कहते हैं, ठीक। तो ऐसी छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं किलोबाइट्स के, केबी के, बाइट्स के, ठीक। 5 बाइट्स, 6 बाइट, 10 बाइट्स ऐसे पैकेट्स में कन्वर्ट करके आपके डेटा को इंटरनेट पर सेंड किया जाता है, या आप किसी को अपने डेटा ट्रांसफर करते हो तो वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। उस एक आपका डेटा, एक का मैसेज, आपका छोटा सा हाय, ठीक। तो वो उसके अगर 3 करेक्टर्स उसके अंदर और 10 बाइट्स का हुआ, ठीक, तो पैकेट्स में कन्वर्ट होकर 5 बाइट्स का होकर जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही डेटा ट्रांसफर होता है पैकेट की फॉर्म में, कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो आपका डेटा होता है वो ट्रांसमिट जो होता है नेटवर्क पर, उसको वो पैकेट्स में कन्वर्ट करके तब उसे दूसरे डिवाइस तक पहुंचाता है नेटवर्क के द्वारा, ताकि वो उसका जो ट्रांसफर हो इजीली हो जाए। नेक्स्ट फ्रेंड, ईच टाइम वन डिवाइस सेंड्स अ फाइल टू अनदर, इट ब्रेक्स द फाइल डाउन टू पैकेट। सेम वही बात फ्रेंड्स, जब आप किसी अपने डिवाइस से किसी और डिवाइस पे आप डेटा को सेंड करते हो, तो वो क्या करता है, वो उस फाइल को पैकेट्स में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, सो दैट इट कैन डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट रूट फॉर सेंडिंग द डेटा। उसके बाद क्या करता है, वो कई सारे रास्तों में से वो एक रास्ता ऐसा ढूंढता है जिसके द्वारा आपका जो डेटा वो आसानी से सेंडर तक पहुँच जाए नेटवर्क के द्वारा, ताकि आपका जो डेटा है एक आसान रास्ते से वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक उसे पहुँचना है उस पैकेट में कन्वर्ट होने के बाद। नेक्स्ट फ्रेंड, द नेटवर्क डिवाइसेस कैन देन हुक द पैकेट्स टू द डेस्टिनेशन वेयर द रिसीविंग डिवाइस रिजेंबल देम फॉर यूज। उसके बाद क्या होता है, जब नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो अपना एक अच्छा सा रास्ता ढूंढती हैं ताकि सेंडर तक आपका जो डेटा पहुँच जाए, और रिसीविंग डिवाइस क्या करती है वहाँ पर उस डेटा को उठाती है और वापस उस पैकेट्स को आपके मैसेज में कन्वर्ट करता है, और आप उस सेंडर रिसीवर को दिखा देता है कि आपको आपने जो भेजा है उसको ये डेटा भेजा है। सिंपल फ्रेंड्स, आपने जो मैसेज भेजा है वो पहले कन्वर्ट होता है किसमें, एक पैकेट की फॉर्म में, फिर नेटवर्क क्या करता है उसे वहाँ तक रिसीवर तक पहुँचाता है। रिसीवर का डिवाइस क्या करता है, रिसीवर डिवाइस उस पैकेट्स को लेता है, वापस उस मैसेज में कन्वर्ट करता है और रिसीवर को दिखा देता है कि आपका डेटा इन्होंने भेजा है। और इस सब का काम कौन करता है, पैकेट स्विचिंग मोड करता है। एक अच्छा सा रास्ता ढूंढता है ताकि आपका जो डेटा वो आसानी से रिसीवर तक पहुंच जाए बिना डेटा क्रैश हुए या बिना डेटा चोरी हुए। तो फ्रेंड्स, ये है पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, जैसे कि फ्रेंड्स आपको मैंने पहले बता दिया था यहाँ पर कि पैकेट स्विचिंग क्या करता है, ट्रांसफर करता है स्मॉल पीस ऑफ डेटा को कुछ कुछ बाइट्स में, कुछ केबीज में, आपको आपके डेटा को कन्वर्ट करता है। पहले आपकी अगर 10 MB की फाइल हो तो उसको कई सारे पैकेट्स बना देगा वो, ठीक। जैसे कि आपकी 10 MB की डेटा है तो 10 MB को कन्वर्ट कर देगा वो कई सारे पैकेट्स में, 5 बाइट्स के या 10 बाइट्स के, तो ऐसे कई सारे पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा उसे, फिर जाकर उसे भेजेगा दूसरी तरफ को। अक्रॉस वेरियस नेटवर्क्स दीज डेटा चंक्स
और पैकेट्स अलाउ फॉर फास्टर और मोर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर। इसकी वजह से ये होता है फ्रेंड कि जो डेटा होता है जब छोटे छोटे पैकेट में आता है तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है, आपका डेटा भी कम यूज होता है और इजीली फास्टर वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक उसे पहुँचना होता है, स्पीड भी उसकी बढ़ जाती है इसी वजह से। ऑफन व्हेन अ यूजर सेंड्स अ फाइल अक्रॉस अ नेटवर्क, जब कोई भी यूजर सेंड करता है कोई फाइल, इट गेट्स ट्रांसफर्ड सिमिलर स्मॉलर डेटा पैकेट नॉट इन वन पीस। इसका मतलब यह जब भी कोई यूजर सेंड करता है डेटा नेटवर्क पर तो वो क्या करता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा को स्मॉल पैकेट में चेंज कर देता है, वहाँ का आपका सॉफ्टवेयर आपका डिवाइस जो होता है उनको एक साथ नहीं भेजता, उनको एक पीस में नहीं भेजता, बल्कि उनको अपने आप ही उन मैसेज को या उन डेटा को अपने आप ही तोड़ देता है खुद ब खुद, उसको आपको पता नहीं चलता कब टूट गया कब कुछ हो गया, सब कुछ प्रोसेसिंग इन साइड ही होती है, उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देता। फॉर एग्जाम्पल अ 3 MB फाइल विल बी डिवाइड इन टू पैकेट्स, जब एक 3 MB की फाइल जब डिवाइड होगी पैकेट में, ईच विद अ पैकेट हेडर दैट इंक्लूड्स द ओरिजिन IP। इसके अंदर क्या होता है जितने भी आपके पैकेट्स में बनते हैं वो पैकेट्स क्या होते हैं उन सबके ऊपर एक IP एड्रेस लिखा होता है, किसका, रिसीवर का, जो रिसीव करने वाला है पैकेट्स को उनका IP एड्रेस लिखा होता है उस पर। जैसे कि आपने अपने दोस्त को मैसेज करा कि तो मैसेज क्या होगा, मैसेज को पहले अपने आप ही वो उस फाइल को या उस मैसेज को पैकेट्स में डालेगा और उस पैकेट्स पर नंबर लिखा हुआ होगा कि आपका जो फ्रेंड है उसका IP एड्रेस उस पर लिखा हुआ होगा कि उस पैकेट को वहाँ तक पहुँचाना है। अब जैसे कि आपका अमेजोन हो गया, अमेजोन के अंदर क्या होता है जब आप कोई चीज़ बुक करते हो तो क्या होता है आपको अपने एड्रेस देना पड़ता है, ठीक सेम ऐसे ही आप जब कुछ भी बुक करते हो तो वो आपके एड्रेस तक आप तक पहुंचाता है वो, ठीक सेम ऐसे ही क्या होता है डेटा जो होता है आपका कई पीस में डिवाइड होता है और उन पीसीस पर लिखा जाता है आपका IP एड्रेस, ताकि वो जो IP एड्रेस है वहाँ तक उसका सही सलामत पहुँच जाए डेस्टिनेशन तक। सेम उस पैकेट पर IP एड्रेस लिखा, द डेस्टिनेशन IP एड्रेस द नंबर ऑफ पैकेट इन द एंटायर डेटा फाइल एंड द सीक्वेंस नंबर, उन पैकेट्स पर उनका सीक्वेंस नंबर लिखा जाता है, उनका डेटा का फाइल का साइज लिखा जाता है, कितने पैकेट्स उस पर आ रहे हैं आपके पास और IP एड्रेस होता है उन पैकेट्स के ऊपर जो कि आपका डिवाइस उसे रिसीव करता है और चेक करता है कि सही पैकेट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं या पूरे पैकेट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं या कोई गलत पैकेट मिस तो नहीं हो गया हमारा, सब कुछ कौन दिखता है आपका डिवाइस दिखता है। तो सारा काम ये होता है पैकेट स्विचिंग का, पहले पैकेट को कन्वर्ट करता है डेटा को आपके पैकेट्स में, फिर उन्हें भेजता है नेटवर्क से और उन्हें उन पर रिसीवर का IP एड्रेस लिखा हुआ होता है ताकि उसका सही लोकेशन पर वो डेटा पहुंचे, ये नहीं है कोई और उसे बीच में क्रैक कर दे या फिर उसे ले ले। तो ये सब चीज़ कौन देखता है, पैकेट स्विचिंग में होती है। नेक्स्ट फ्रेंड, अब जैसे ही फ्रेंड साहब आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है पैकेट स्विचिंग का, ठीक ये हमारे यूज़र है, हम यूज़र हैं, यहाँ पर यूज़र ने डेटा को ट्रांसफ़र करा ठीक अपने डिवाइस से, ये सर्वर के पास पहुंचा, यहाँ पर सर्वर ने क्या करा उस डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट कर दे के वापस दूसरे सर्वर को भेजा, दूसरे सर्वर ने नेटवर्क डिवाइस को भेजा। सेम ऐसे ही यहाँ प्रोसेसिंग चलती है फ्रेंड्स, डेटा ये जो आपके पैकेट्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है पैकेट्स, ये आपके पैकेट्स हैं, ये ब्लॉक्स जो हैं ये, ठीक यूज़र ने सेंड करा डेटा पैकेट्स में, ये पैकेट यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से फिर सर्वर तक पहुँचे नेटवर्क डिवाइस तक, फिर वापस दूसरे सर्वर तक पहुँचे पैकेट्स के फॉर्म में, फिर तीसरे सर्वर तक पहुँचे नेटवर्क डिवाइस तक डेटा सेंटर तक, वापस एप्लीकेशन के पास पहुँच गए या यूज़र ये कहिए रिसीवर के पास, यहाँ पर पहुँच गए वो ताकि रिसीवर ने उसे एक्सेप्ट करा उस डेटा को। तो सारे नेटवर्क से चेक करते हैं ये लोग कि आपका डेटा जो है सही सलामत पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, आपके पास 10 पैकेट, आपने अगर आपका मैसेज जो है 10 पैकेट्स में कन्वर्ट हुआ तो 10 पैकेट्स ही पहुंच रहे हैं यहाँ पर, 9 तो नहीं पहुंच रहे, सब कुछ चेक ये डेटा नेटवर्क्स करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से मैसेज भेजा हाय तो और डेटा कन्वर्ट हुआ, वो हाय मैसेज आपका कन्वर्ट हुआ 10 पैकेट्स में, तो 10 पैकेट्स जो होंगे आपके यहाँ पे 10 पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, यहाँ पे 10 पहुंच रहे हैं यहाँ पे 10 नहीं पहुंच रहे, और बीच में कोई लॉस होता है तो वो जिम्मेदारी इनकी होती है, वो चेक करते हैं इस चीज़ को कि कैसे 9 पैकेट्स हो गए यहाँ पर 10 क्यों नहीं हुए, कहाँ पर दिक्कत हुई, तो वो सब चेक करके वापस अब तक 10 पैकेट ही पहुँचाएंगे जो रिसीवर होगा वहाँ पर। तो सारा काम कौन करता है, पैकेट स्विचिंग करती है ये।
क्योंकि उन पैकेट पर आईपी एड्रेस दे रखा होता है। किसका? इसका आईपी एड्रेस, रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है यहाँ पर उन पैकेट्स पर जो आप सेंड करते हो डेटा को, ताकि वो सही सलामत इस तक पहुँच जाए डेटा, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस, उसका जो आईपी एड्रेस आपके पैकेट पर दे रखा है कि हाँ ये पैकेट जो है इसी के पास जाने, किसी और के पास नहीं। तो फ्रेंड्स ये होती है पैकेट स्विचिंग। तो फ्रेंड्स पैकेट स्विचिंग दो तरह की होती है यहाँ पर। पहला है फ्रेंड्स कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग, दूसरा होता है फ्रेंड्स कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। अब कनेक्शन लेस फ्रेंड्स पैकेट स्विचिंग क्या होती है, इसके अंदर कोई भी कनेक्शन बनानी होता है, ये ऑटोमेटिक आप दूसरे रिसीवर तक आपका पैकेट पहुंचाती है। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, ये जब तक आपका पैकेट रिसीवर तक नहीं पहुंचती जब तक आपका कनेक्शन नहीं तोड़ता, जैसे कि आपकी फ़ोन लाइन, जब फ़ोन करते हो किसी को तब जब तक आप उसे काटोगे नहीं तब तक उससे कनेक्शन आपका बना रहता है, जब तक आप फ़ोन को एंड नहीं करोगे अपनी कॉल को तब तक वो कनेक्शन जुड़ा रखता है, ठीक। लेकिन आपका जो व्हाट्सएप फेसबुक है आप अगर छोड़ के भी चले जाओगे तो आप तक नोटिफिकेशन मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये कनेक्शन लेस होते हैं व्हाट्सएप फेसबुक जो आपकी एप्लीकेशन, लेकिन जो फ़ोन कॉल्स होते हैं आपके कनेक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, जब तक आप कनेक्शन खुद नहीं काटोगे तो आपका कनेक्शन नहीं कटता है, ठीक, या दूसरा रिसीवर नहीं काटता है। तो सेम यही प्रोसेस होता है कनेक्शन ओरिएंटेड में, ये कनेक्शन को बांध ही रखता है कनेक्शन ओरिएंटेड। और कनेक्शन लेस जो होता है वो आप कनेक्शन छोड़ भी दोगे तब भी वो काम करता है पीछे से। तो ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग, ये दो ही टाइप होते हैं कनेक्शन पैकेट स्विचिंग की। नेक्स्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर लाइक करिए, फ्रेंड को शेयर करिए। अगर आपका फिर कोई डाउट होता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तब भी। और फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हम बनाकर देते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अभी।